हेलो दोस्तों। तो आज के टॉपिक्स आप समझ गए होंगे, थंडरबर्ड मीटर के ऊपर है। जिन जिन के पास है थंडरबर्ड रॉयल एनफील्ड की, उन्होंने ये फेस जरूर करा होगा कि थंडरबर्ड ली, अभी नया मीटर मैंने डलवाया गाड़ी में, ब्रांड न्यू मीटर डलवाया, विद इन अ 6 मंथ, विद इन अ 2 मंथ, विद इन अ ईयर है ना मेरा मीटर खराब हो गया। ऐसा क्यों होता है, क्या बात है? ये मीटर मतलब रॉयल एनफील्ड का खराब होता है। एक्चुअली मैं रॉयल एनफील्ड एक ऐसी बाइक है जिसमें जान के डिज़ाइन किया गया है कि थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब जो रॉयल एनफील्ड लवर्स हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, उसे सीख लेते हैं, एक सेंटिमेंट्स जुड़े रहे हैं इस बाइक के साथ। तो ऐसा नहीं है इसकी आप प्रॉब्लम्स को समझ लें इस बाइक की तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करनी पड़ेंगी। ये बाइक अपने आप में एक सेंटिमेंट्स को डिफाइन करती है, तो उसी को कंपनी ने डिज़ाइन करके इसमें डाला गया है ऐसा मीटर। ये मीटर आधुनिक जरूर है, ये मीटर खूबसूरत जरूर है, मगर कंपनी ने भी जान के इसके डिजाइन में ऐसा रखा गया है इंजीनियर्स ने कि ये खराब जरूर होगा। मगर ऐसा नहीं है आप इसे लॉन्ग टर्म नहीं चला सकते। मैंने ये अपना मीटर 2017 में रिप्लेस किया था, आज 2020 चल रहा है लॉकडाउन में, तो मैं कंप्लीटली 3 साल के रिसर्च और इसका पूरा कंप्लीट करके कि इसे आप कैसे लॉन्ग टर्म चला सकते हैं, आपके मीटर में कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। रॉयल एनफील्ड के थंडरबर्ड के रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड के मीटर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उन चीज़ों के लिए कुछ विशेष बातों को आपको ध्यान रखना है, तो वो बातें हैं ये। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये इसके मीटर में देख सकते हैं, ये मैंने ज़रा सा यहाँ से हटाया और ये इसकी पत्ती हट गई, ये पत्ती हट चुकी है। ये कंपनी ने जान के इसमें ऐसी पैकिंग दी है कि यहाँ से पानी ऊपर से चला जाता है इसमें। ये जो पानी है, टोटल टोटल पैकिंग, इसमें कोई वाटरप्रूफ पैकिंग नहीं है, ये सिर्फ ऊपर बटन जो दिए गए हैं ये वाटरप्रूफ है, और नीचे बहुत मामूली सी एक पत्ती को बनाया गया है, और इसी की वजह से इसमें पानी जाता है। बट ऐसा नहीं है, अगर आप इनको केयर करना चाहें तो केयर कर सकते हैं। जब आप गाड़ी को हैवी वाटर वॉश से धुलवाएं तो इसको कम्प्लीटली मीटर कंसोल को मतलब कवर करने के लिए पॉलीथीन डाल सकते हैं। ये मीटर है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीटर ख़राब हो जाता है पानी से, तो मेन वजह पानी की ये है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कितना मतलब स्पेस है इसमें, ये टोटल ओपन पैकिंग है, इसमें कोई रबड़ की वाटरप्रूफ पैकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस कदर, बिल्कुल आप अंदर आपको स्विच दिख गए होंगे डायरेक्ट। तो जब भी बारिश पड़ती है डायरेक्ट इसमें पानी चला जाता है, और बारिश का पानी जाने की वजह से सभी को फिर ये स्विच पॉइंट्स, ये पॉइंट सब ख़राब हो जाता है इसका, और बेकार हो जाता है पूरा मीटर जो 6,000 रुपये का आता है। इसमें यहाँ देख सकते हैं कुछ नहीं है, ये बिल्कुल मतलब एक खोखला होता है। तो बारिश हो रही है, बारिश से बचाने के लिए आपने इसे कंप्लीटली ढक दिया पूरा अच्छी तरीके से नीचे तक से, ताकि आपका मीटर कंसोल पूरा कवर्ड हो जाए। आप ड्यू टू हैवी रेन में, खास तौर से बॉम्बे वाले दोस्तों के लिए जो बॉम्बे में, गोवा में जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, चाहे वो मसूरी भी हो, आप जैसे देहरादून में हैं, मसूरी में आपको काफ़ी हैवी रेन का, बार बार बारिश होने का फेस करना पड़ता है, तो वो काफ़ी उन लोगों के लिए ही ये प्रॉब्लम रहती है कि अभी मैंने मीटर डलवाया था, मे बी 2-3 महीने में मेरा मीटर खराब हो गया। और मीटर कोई सस्ता नहीं है, मीटर 6,000 रुपये का है। ये मीटर 6,000 रुपये लगाना एक बाइक में बार बार काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। जब मैंने भी लगाया था अपनी बाइक में, 3 साल रुक के इस मीटर को लगाया था, और 3 साल रुकने के बाद जब मैंने इसको देखा तो मुझे पता था कि इसकी केयर किस तरीके से करनी है। तो आप इसे बारिश से बचाने के लिए गाड़ी अपनी वॉशिंग वाले के पास लेके जा रहे हैं, जब गाड़ी आप धुलवाने लेके जा रहे हैं तो भी इसे आप पन्नी से पैक कर दें, और पन्नी से पैक करके रखें। आपको एक एडिशनल पन्नी अपने पास रखनी पड़ेगी, जब भी बारिश हो इसे फौरन कवर्ड करें।
तभी आपका ये मीटर लॉन्ग लाइफ चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बहुत अच्छा मीटर कंसोल है रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड का, एक एडवांस मीटर कंसोल है। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं गौरव आपके लिए बहुत जल्द नेक्स्ट कुछ नया लेके आऊँगा फिर से कुछ। तो ओके बाय।